देखिए इंस्पेक्टर साहब, तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आपने घर से भागकर खुद को परेशान किया, अपने पेरेंट्स को परेशान किया, हमें परेशान किया, लेकिन अब आपकी वजह से ये गोकुलधाम वासी परेशान होंगे। हाँ? वो हम क्यों परेशान होंगे जी? इस लड़की को छुपाने के जुर्म में, पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में। अरे अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें भी अभी अभी पता चला कि ये लड़की पोपट के घर में थी। सही बात है। और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम खुद आपको इन्फॉर्म करने वाले थे कि बुलबुल यहाँ पर है। हाँ जी। गुनाह करके पकड़े जाने पर सभी गुनहगार ऐसे ही कहते हैं। अरे नहीं, खामोश। अब जो भी सफाई आप लोग देना चाहते हैं कोर्ट में दीजिएगा, मुझे नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए। मेरे गोकुलधाम वासी बेकसूर है, इनको हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पोपट भाई, आप अकेले नहीं हैं। गोकुलधाम परिवार सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। अरे दया, क्या बोल रही है तू? अरे जेल जाना कि पिकनिक में थोड़ी जाना है? हम भी सब आपके साथ जेल जाएंगे। किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी मर्जी से शादी की है और हम नाबालिग नहीं। चलिए पत्रकार जी। एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमने आपसे कहा ना, हम नाबालिग नहीं है, हम हमारे पति के साथ कहीं भी जा सकते। जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ जाते, आप कहीं नहीं जा सकती। और फिर भी अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो भुगतना इन्हें पड़ेगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब। बुलबुल भाभी, प्लीज आप माइंड जाइए, इससे बात और बिगड़ सकती है। आपके मम्मी पापा को आ जाने दीजिए ना। हाँ। बलदेव सिंह जी, जी आपकी बेटी बुलबुल मिल गई है। वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में है। आप इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली आ जाइए। जी राइफल लेते। वो कुड़ा है। बुलबुल। कहाँ चली गई थी तू? किया बिटिया, काहे किया ऐसे? कल तुम्हारी शादी थी और तुम शादी कर ली। तुम घर से भाग गई, इसलिए लड़के वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया बेटा। पापा
हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता। बलदेव सिंह नाम है हमारा, बलदेव सिंह, और हम तोहरे बाप। बाप तू हमार बेटी है इकलौती। और क्यों किया बुलबुल, जवाब दो। कल तुम्हारा ब्याह था और तुम भाग गई बिना बताए। जिंदगी में पहली बार हमारा इज्जत पे दाग लगा है, दाग। कल तक कोई भी हमसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता था, और आज सब हमारे मुंह के सामने हंस रहे हैं। सॉरी पापा। चुप। हमारा क्या उसूल है, बजा घंटा लगा घंटा, फिर पूछ सरव नाम का है तोरा। और तूने तो सब हमारा आन बान शान का बुनियाद हिला दी। तुम्हारा फैसला तो हम इलाहाबाद में करेंगे, पर पहले उसका फैसला करेंगे जिसका मंगलसूत्र तुम अपने गले में पहनी हो। अब करा के जीवन में अमंगल ही होगा, अभी हमारे हाथ से। हम उसका जिंदगी में बर्बादी का तूफान ला देंगे। पता कौन है? बता कौन हूं माइका लाल, जो बलदेव सिंह की इकलौती औलाद को भगा करके शादी किया है। पर ये पुलिस के सामने भी इतने रौब से बात कर रहा है, मतलब कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है। बिल्कुल। कौन है वो? बाबू साहब। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक छोटी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरा मतलब एक पत्नी और एक बच्चा है। देखिए पत्नी, दया हाथ ऊपर कर। और ये बेटा, बेटा टप्पू, बेटा हाथ ऊपर करो, बताओ अंकल को। हाँ, हाँ, मैं हूँ। ये दोनों मेरे हैं। सुखी हूँ मैं। मुझे क्या जरूरत? बलदेव सिंह जी, वो है आपका दामाद। ये हमारा दामाद। आदमी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तुम 50 ग्राम के आदमी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? Come on, 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 come on
पापा। अच्छा बलवल। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं पापा, हम नहीं हटेंगे। आपको पहले हम पे गोली चलानी होगी। बलदेव सिंह जी शांत हो जाइए, ये गन मुझे दे दीजिए। ए माखन, लाइसेंस दिखा कर आके। हाँ हुकुम, ये आपके पास गन का लाइसेंस होगा लेकिन किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको कानून हाथ में लेने नहीं दे सकता। लाइए गन दीजिए। पाटिल। यस सर। गन ले। सारी राइफल कलेक्ट करो। उठ गया, बंदूक गई। इसे भी जमा करो। तुमको तो हम गन्ना का रस निकालने का मशीन में ले जाके पेरेंगे छछुंदर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मुझे मेरे ससुर जी से प्रोटेक्शन चाहिए। ये अपनी मूंछों को ताव देते हैं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चुप। देखिए बलदेव सिंह जी, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, यही बात शांति से भी हो सकती है। देखिए श्रीमान, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे आप खामोश रहिए। भाई साहब, पोपट भाई हमारे गोकुल धाम परिवार के सदस्य ही है, हमारे सब बहनों के भाई है। हाँ। सही बात है। तो वो बोल रहे हैं घरेलू मामला है। है मैडम, आप शांति से बात नहीं होगा, आप कानूनन बात होगा। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसको। पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने हमारी बिटिया से शादी किया। वैसे भी ऐसे आदमी को ससुर बनना कसूर ही तो है। कसूर? पापा तुम चुप रहो। सॉरी पापा, अब हम आपकी बेटी बाद में, पहले इनकी पत्नी है। हम प्यार करते हैं इनसे पापा, और ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने हमारी मर्जी से शादी की है। हाँ, शाबाश शाबाश बुलबुल बॉबी। इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, हम बालिग हैं तो क्या हमें हमारा जीवन साथी चुनने का, उनसे शादी करने का और उनके साथ रहने का कानूनन हक है या नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब कमाल है, आपको कानून नहीं पता? पता है। तो बताइए हक है या नहीं? जी मैडम हक है। हाँ बिल्कुल हक। कानून के किताब में हक होगा पर हमारा किताब में नहीं। गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी नजर में शादी करना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लीजिए हमें। देखिए बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बालिग है, आपके दामाद को गिरफ्तार करने में हम भी फंस सकते हैं और आप भी। हाँ। अरे भले ही फंस जाएं या जेल चले जाएं, पर हमारे हुकुम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। हाँ। सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसने हमारे जायदाद के लालच में हमारी बिटिया से ब्याह किया है। इसने गिरफ्तार कर लो इसको। देखिए बलदेव सिंह जी, बिना सबूत के कानून हमें किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता है। ये आपके घर का मामला है। सॉरी, फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी बेटी बालिग है, समझदार है, अपनी सोच का बोझ उस पर मत डालिए। और हाँ, एक बार ये मामला शांति से निपट जाए उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी गन और बाकी के हथियार ले जा सकते हैं। पटेल चलो। Come on, 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 come on
ओ हमरा जायदाद के लालच में हमरा बेटी को फंसाया है लालची। मैं लालची नहीं हूँ। हाँ पपटला लालची नहीं है, कंजूस है। हाँ, नहीं पापा, मूंछों वाले अंकल, हमारे पोपट अंकल कंजूस भी नहीं है। और हाँ, मिसेस पोपटलाल आंटी के पापा पोपट अंकल भी हमें बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल बैट भी ला देते हैं। हाँ। और हमें मॉल में घुमाने भी ले जाते हैं। हमारे पोपट अंकल ना ही कंजूस है और ना ही लालची। हाँ पापा, चुप रहो तुम। तुमको दुनियादारी का समझ नहीं है। हम इस शादी को शादी नहीं मानते। हाँ ये हमारा दामाद नहीं है। अरे तुम्हारा शादी हमारी बराबरी वालों में होगा और हमने पूरे इलाहाबाद में बात का ऐलान करा दिए हैं कि कल तुम्हारी शादी होगी तो होगी और लड़के वाले को भी हम मना लेंगे। अरे ऐसे कैसे, समझे कि नहीं भाई साहब? आपकी बेटी की शादी हो गई है पोपट भाई से। तो हाँ, इन्होंने मंदिर में शादी की है और ये शादी है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि की और तोड़ दी। हाँ शादी एक पवित्र संस्कार है। हाँ और आप कौन से जमाने के ख्यालों के साथ जी रहे हैं? आज के मॉडर्न जमाने में लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, हैसियत नहीं। सही बात है। हमारी बेटी गाय है, एकदम भोली भाली आई, इसने उसको फंसाया है। नहीं पापा, इन्होंने हमें नहीं, हमने इन्हें फंसाया है। हमारा मतलब है हमने इन्हें पसंद किया है। और हमारे पोपट भाई बहुत भोले हैं। और बलदेव सिंह जी, कमी क्या है हमारे पोपटलाल में? आज वरिष्ठ पत्रकार है, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, इतनी बढ़िया आमदनी है और समाज में कितना आदर है इनका। और इनका तो आधार कार्ड भी आ गया है। तो हाँ पोपटलाल, आपकी बेटी यहाँ खुश रहेगी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका ध्यान रखेगी। कोशिश कीजिए, दो जिंदगी का सवाल है। हाँ, हैसियत का रंग नहीं दोनों की उमंग देखो, और दौलत नहीं दोनों के दिल मिले वो जरूरी है। अरे बंद कीजिए फिल्मी डायलॉग, हम आप लोगों का फिल्मी बातों से बिगड़ेंगे नहीं। हमको ये शादी मंजूर नहीं है तो नहीं है, बस। मेरी बात सुनो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जगह सही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने पैसों पे बहुत घमंड है ना? तुमने ये पैसे किसके लिए कमाए? ना बिटिया के लिए। तो फिर अरे भाई, किस काम के तेरे ये पैसे जो तेरी बेटी को खुशी न दे सके? बलदेव जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, के लिए आपके लिए जीवन में जरूरी क्या है? आपका घमंड या आपकी बेटी की खुशी? घमंड? थार वेड़ाया, बेटी की खुशी। हाँ बुटिया का खुशी। हाँ तो आपकी बेटी की खुशी पोपट भाई के साथ संसार बसाने में ही है। बिल्कुल है बाबा। हाँ प्लीज प्लीज आप ये शादी स्वीकार कर लीजिए और आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दीजिए। दामाद के रूप में अपना लीजिए हमारे पोपट भाऊ जी को प्लीज। देखिए हमारे पोपट भाई बहुत अच्छे हैं, आपके धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज से खुशियाँ, और वो खुशियाँ पोपट भाई आपकी बेटी को जिंदगी भर देते रहेंगे। दिर्ण 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 दिर्ण।
दोस्तों अगर इस लॉ से ये पत्थर पिघले तो शायद पत्थर दिल बलदेव सिंह पिघले, लेकिन ये पत्थर तो नहीं पिघल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? बलदेव सिंह नहीं पिघलेंगे? शायद आपको ये तुलना, ये मिसाल बेबुनियाद लगे, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम में सबकी निगाहें बलदेव सिंह पे लगी हैं। बलदेव सिंह किसी थर्ड अंपायर की तरह, उनके हाथ में है पोपटलाल का भविष्य। क्या पोपटलाल आउट होंगे? पोपटलाल की खुशियां इस वक्त बलदेव सिंह की मुट्ठी में। सारे लोगों ने बलदेव सिंह को समझा दिया है, सबके सब समझाने पे लगे हुए हैं बलदेव सिंह को, लेकिन बलदेव सिंह नहीं समझ रहे। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि लोग हमें समझाते हैं, कभी एक व्यक्ति, कभी दो व्यक्ति। जब एक या दो व्यक्ति समझाते हैं तो हो सकता है कि शायद हम गलत ना हो, लेकिन सारे के सारे लोग हमें समझाने लगे तो मान लीजिए कि गलत हम ही हैं। अपने ईगो को इतना बड़ा मत कीजिए कि समझदारी छोटी लगने लगे और दूसरे लोगों को भी उसकी वजह से नुकसान हो। भाई बलदेव सिंह अगर नहीं पिघलेंगे तो भी हंगामा है, और अगर पिघल जाएंगे तो भी हंगामा है। अब ये क्या है, ये जरा राज की बात है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जरूर सोचिए तब तक कि कहीं ऐसा ना हो कि पोपटलाल की शादीशुदा जिंदगी शुरू होने के पहले ही बलदेव सिंह के गुस्से की वजह से दी एंड ना हो जाए, लेकिन आपके घरों में हंसी का दी एंड नहीं होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।